कोन काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अपने ही कर्म हमको दंड देते हैं, अन्यथा कोई नहीं दे सकता। और ये पक्का विश्वास समझ लो कि एक कट वचन भी कोई हमें व्यर्थ में नहीं बोल सकता। अगर कट वचन बोल रहा है तो मुझे सुनना चाहिए, मेरे मन को ठीक करने के लिए जरूरत है उस कट वचन की, उस तिरस्कार की, उस अपमान की, उस विपत्ति की, उस दुख की, यदि अध्यात्म में चलते हो तो। और लोक में तो जेल भरी है इसी बात की, तुमने एक गाली दी, उसने चार गाली दी, तुमने थप्पड़ मारा, उसने मार दिया, और जाके आजीवन सजा भोगी, ये इसी में जेल भरी हुई। अगर ज्ञान थोड़ा भी ज्ञान है तो आप इतना समझ लो, आपको एक सुई भी कोई नहीं चुभो सकता। जब तक हमारे शरीर को दंड का विधान नहीं हुआ तब तक ऐसा नहीं होगा। हमारे दंड देने के लिए कोई निमित्त बनेगा, कभी कोई काल पे अंगुली नहीं उठाता, काल निमित्त बना देता है। वो ऑपरेशन बिगड़ गया, वो ऐसा हो गया, वो वैसे नहीं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भगवान कह रहे हैं। तो हमें लगता है कि अगर हमें लगन लग जाए तो क्या हम अपने घर में प्रभु का भजन निरंतर नहीं कर सकते? राधा 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 राधा, निरंतर भजन हो सकता, पर लगन नहीं लगती। तो देखो, हम लोग अभी कहीं राजी हैं, ऐसे हम भगवत प्राप्ति चाहते हैं कि मनमानी को भोग भोगते रहे, थोड़ा बारा नाम वाम जप ले और ऐसे ही भगवान कृपा करके मिल जाए। तो देखो, ऐसे तो मिलते नहीं, पक्की बात सुनो। जब तक हृदय में भगवान के लिए व्याकुलता नहीं आ जाती और रोना प्रारंभ नहीं हो जाता कि अब जिया नहीं जा रहा, तो वो कहीं और नहीं, आपके अंदर ही है। आप अंदर चाहोगे तो अंदर मिल जाएंगे, बाहर चाहोगे तो बाहर मिल जाएंगे, वो उनके लिए अंदर बाहर का कोई भेद नहीं। पर चाह इतनी जोर की भी उस चाह में कोई और चाह ना, उसको समझना होगा, उसमें प्रमाद आलस्य नहीं, उसमें तो व्याकुलता चलते है जी। प्यार और नाटक में अंतर, जैसे हमें आपसे सुख लेने की स्वार्थ बुद्धि है तो हम असली प्यार से ज्यादा प्यार दिखाएंगे। यहाँ गुदवा लिया तुम्हारा नाम, कितने बेवकूफ बच्चे, और दिखा दिया देखो। अब वो माता पिता जो जिंदगी भर उसे दूध पिला के तैयार करिए ना।